लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच प्रशासन ने मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद जानकारी से पत्रकारों को कराया अवगत। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक कर उन्हें भी आयोग की नियमावली, मतदाता सूची और मतदान केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई गई। अनौपचारिक बता रहा हूँ ना, अनौपचारिक विधानसभा में थोड़ा सा क्रिटिकल ज्यादा रहते हैं। क्या है आप जानते हैं कि हमारे साथ साथ राजनीतिक दलों को सबको मदद करनी पड़ती है। कभी इस बार आपने राजनीतिक दलों ने हमने सबने मिलकर के किया था तो इतना अच्छा हमारे यहाँ मतदान का प्रतिशत रहा। हम कोशिश करेंगे इससे नीचे नहीं जाए, इससे आगे बढ़े, कोशिश पूरी करेंगे। और सर निर्वाचन को लेकर आज बैठक आयोजित की गई, क्या निर्णय हुए, क्या जानकारी जारी की गई? देखिए आज जो हमारा आगामी लोकसभा चुनाव होना है उसके मतदाता सूची का आज हमने प्रारंभिक प्रकाशन किया है। इसके लिए जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनकी आज हमने यहाँ पर बैठक बुलाई थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो अधिकृत प्रतिनिधि हैं वहाँ पर उपस्थित हुए थे। हमने उनको मतदाता सूची का एक सेट प्रदाय किया है, मतदान केंद्रों की सूची का भी एक सेट प्रदाय किया है और ऐसे मतदान केंद्र जिसमें भवन हमारे परिवर्तन होना है उनकी का भी एक सेट हमने उनको प्रदाय किया है। उनको सारी जानकारी दी है, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 के बारे में बताया है। जो हमारे मतदान केंद्र हैं जहाँ पर हमारा BLO बैठेगा, एक एक मतदाता सूची का सेट उस मतदान केंद्र की का जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं जिनके द्वारा BLA नियुक्त किए हैं उनको भी हम प्रदाय करेंगे। और हमने उन सभी से अनुरोध भी किया है कि जो मृत मतदाता हैं या जो मतदाता शिफ्ट होने हैं या जो नए मतदाता जुड़ने हैं इसके लिए राजनीतिक दल भी हमारा सहयोग करें। और मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे मतदाता जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो गई है, ऐसे सभी मतदाता इसमें अपने नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए ऐप है, अभी विधानसभा चुनाव हमारे यहाँ पर हुआ, सबको जानकारी है, तो मैं ऐसे लोगों से अनुरोध करूँगा। और जो मतदाता मृत हो गए हैं उन लोगों से भी अनुरोध करूँगा परिवार वालों से कि ऐसे मतदाताओं की जानकारी हमको दे दें ताकि हम उनका नाम इसमें से काट सकें और हम अपनी मतदाता सूची को शुद्ध कर सकें। जो अद्यतन का कार्य किए जाना है उसके लिए कोई टाइम तारीख तय की गई? इसमें क्या है, जो हम फॉर्म लेंगे ये फॉर्म हम लेंगे आज हमारी जो तारीख है, आज हमारी तारीख है 6 तारीख से लेकर के और 22 जनवरी तक हम इसको लेंगे और 2 फरवरी तक जो हमें दावे आपत्तियाँ आएंगे उसका हम निराकरण करेंगे और 8 फरवरी को हम हमारी जो मतदाता सूची है उसका हम अंतिम प्रकाशन करेंगे। इस संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बाद आज हमने पुनः अपने जो हमारे मीडिया के मित्र हैं मीडिया के मित्रों की बैठक बुलाई थी और मैं पुनः अपने मीडिया के मित्रों के माध्यम से सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो मतदाता सूची में नाम जुड़वाना है, नाम कटवाना है, किसी के पिताजी का नाम गलत है, किसी का फोटो यदि उसमें ब्लर है, ठीक नहीं है, ऐसी सभी चीज़ें हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको ठीक अवश्य करा लें। इसमें आपने देखा होगा कि 2018 की तुलना में इस बार जो नया विधानसभा चुनाव हुआ था हमारा 2023 का चुनाव जो हुआ था उसमें हमारा वोटिंग परसेंटेज 79.42% रहा, तो काफ़ी संख्या में हमारे मतदाता इसमें बढ़े। हमारी जो स्वीप गतिविधियां हैं स्वीप गतिविधियों के माध्यम से हम मतदाताओं की संख्या को बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि जो विधानसभा चुनाव 2023 में हमारा मतदान का प्रतिशत था हम उससे नीचे नहीं जाएं, उससे ऊपर जाएं और जो मतदाताओं की संख्या है वो हम बढ़ाएं। मतलब यानी ऐसा कोई मतदाता न छूटे जिसकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष या उससे ऊपर हो गई है।